कनॉट प्लेस में बजरंगबली के दर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर आने के बाद हनुमान मंदिर में की पूजा। शिवसेना ने पीएम मोदी को घेरा, कहा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए उड़ा रहे हैं कबूतर, जबकि मणिपुर पर मुंह में जमी है दही। नोएडा डीएम के एक्स अकाउंट से राहुल गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट, कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा संवैधानिक पद पर बैठकर फैला रहे हैं नफरत। तेजस्वी यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बिहार में 20 सालों से एनडीए की डबल इंजन सरकार है, फिर भी सत्ता के स्वार्थी लोगों ने मिथिला के लिए नहीं किया कोई विशेष काम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के कई ब्रोकर हैं, बीजेपी चुनाव में किसी ना किसी को कर देती है आगे, उनका यही काम। अखिलेश यादव के साथ आए चंद्रशेखर आजाद, मंगेश यादव एनकाउंटर पर किया बड़ा दावा, पुलिस सरकार के अधीन है, सरकार जो कहेगी पुलिस वो करेगी। जम्मू कश्मीर में दो जगह मुठभेड़, बारामूला में 3 देशद्रोही ढेर, किश्तवाड़ में कल 2 जवान हुए थे शहीद, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। कोलकाता केस में स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन जारी, बारिश में भी डटे रहे डॉक्टर, डॉक्टरों ने बीजेपी पर राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से हटा बैन, मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध, छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघ चंद्र सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पीएम से दौरा करने की मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के जो बाइडेन, कहा जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक खामोश रहे यही ठीक होगा। सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से अमेरिकी चुनाव में डालेंगी वोट, पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे स्पेस में रहना पसंद। ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा के जिंदा होने का दावा, बेटा अफगानिस्तान में अलकायदा का नेटवर्क कर रहा है खड़ा, पश्चिमी देशों पर हमले की तैयारी में है हमजा। रूस ने बांग्लादेश से ब्याज के 5300 करोड़ मांगे, 15 सितंबर तक की दी मोहलत, रूसी अधिकारियों ने 21 अगस्त को बांग्लादेश की ईआरडी इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन को लिखी थी चिट्ठी। चीन ने रिटायरमेंट एज बढ़ाई, अब चीन में पुरुष 63 और महिलाएं 58 साल की उम्र तक करेंगी काम, घटती जनसंख्या के चलते लिया है फैसला, 2025 से लागू होगा नियम। टेलीकॉम कंपनियां फिर महंगा कर सकती हैं अपना रिचार्ज प्लान, ट्राई की नई पॉलिसी की वजह से कंपनियां महंगे कर सकती हैं अपने रिचार्ज प्लान, नई पॉलिसी 1 अक्टूबर 2024 से होगी लागू। सरकार ने प्याज से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी की सीमा को हटाया, सरकार के इस फैसले से बाजार में प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच सकती है। इंग्लैंड ने दूसरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लियाम लिविंगस्टोन प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज 1-1 से बराबर, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया 28 रन से जीता था। एक रिपोर्ट में हुआ दावा, सलमान ने इंजरी के चलते एक्शन सीन से लिया ब्रेक, सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग में है बिजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को लेकर दिया बयान, कहा पापा चाहते थे कि 18 साल की उम्र में मैं शादी करके बसा लूं घर, फिल्मों में आने के फैसले से नहीं थे खुश।